स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी कुछ खबरें आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद जोन है जिसने आपका 5 नवंबर से ग्रुप डी भर्ती 2018 की जो पेंडिंग आपके ज्वाइनिंग थी उसको शुरू कर दी है। और यहाँ पर 5 नवंबर से उनकी ज्वाइनिंग है, यहाँ पर शुरू हो जाएगी, यानी कि दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा गिफ्ट यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं, कब से ज्वाइनिंग आपका शुरू किया गया है, पूरा डिटेल देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो रेलवे भर्ती के बारे में सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं उस नोटिस को, देख लेते हैं इस नोटिस को। अब यहाँ पर देखिए, ये नोटिस डाला गया है आपकी वेबसाइट पर आरआरबी इलाहाबाद के पे। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की नोटिफिकेशन सीए नंबर 2218। अब सीए नंबर 2218 है वो ग्रुप डी की थी। यहाँ पर बोला गया है कि वेतनमान 5200 से 20200, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप डी का रहता है। और यहाँ पर आपको बोला गया कि आपका जो ग्रेड पे है 1800 यानी कि लेवल 1, इसके पदों के लिए चयनित आपके जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें प्रयागराज मंडल आवंटित किया गया, यानी कि आपका जो डीआरएम है, जो आपका प्रयागराज डिवीजन है, ठीक है, प्रयागराज डिवीजन के स्टूडेंट है, उनके लिए यहाँ पर नोटिस डाला गया है कि प्रयागराज मंडल जिनको आवंटित किया गया था उनका बुलावा पत्र मतलब कॉल लेटर आपका डाक द्वारा भेज दिया गया है, ठीक है। इनको बोला गया कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपको डाक द्वारा भेज दिया गया है। और इसके अलावा अभ्यर्थियों का जो डीवी होगा मतलब दस्तावेज सत्यापन, अब देखिए आपको बता दूँ कि रेलवे में जो डीवी है वो दो बार होता है, एक बार तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मेडिकल के साथ, इसके अलावा जो आपकी ज्वाइनिंग होती है तो एक बार फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन है। और इनकी नियुक्ति देखिए, यहाँ पर डेट दी गई है इनकी नियुक्ति 5/11/2020 और 6/11/2020 को, ठीक है, यानी कि 5 नवंबर और 6 नवंबर 2020 को 11 बजे आपको आना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपको पंजीकृत डाक सेवा द्वारा भेजा गया बुलावा पत्र चालान अपलोड किया जा रहा है। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय में आपको 11 बजे से आपके 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है और नीचे आपको लिस्ट दी गई है वो कैंडिडेट हैं, तो आपको 2 नंबर दिए गए हैं इनके, तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ देखिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज यहाँ पर डाला गया है। अब चलिए देख लेते हैं कितने कैंडिडेट हैं और उनको क्या क्या आपका दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, ये कैंडिडेट है, इनका जो WS नंबर लिखा गया है, ये इनका नेम है, ये इनका नेम है, इनका एड्रेस है। अब देखिए एड्रेस आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दौसा राजस्थान, यानी कि ये मेरे ज़िले के कैंडिडेट हैं। और लगभग इस लिस्ट में 5 ऐसे कैंडिडेट हैं, 89 की लिस्ट है, इसमें से 5 कैंडिडेट हैं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से, और 20 तो ऐसे हैं जो राजस्थान सेलेक्ट हुए हैं मतलब इलाहाबाद बोर्ड से हैं। 89 में से 20 कैंडिडेट हैं जो राजस्थान के हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी डीवी लिस्ट है आपको दी गई है कि इनका डीवी कब किया जाएगा। डीवी का मतलब है कि ज्वाइनिंग एक प्रकार का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ज्वाइनिंग होती है उसमें आपका एक प्रकार से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर आपको डीवी दिया गया है, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर साइड में इन्होंने लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनका एड्रेस है आपको पूरा मेंशन किया गया है और यहाँ पर नाम, पिता का नाम सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दौसा राजस्थान, ठीक है, ये हमारे पड़ोसी हैं सारे, बहुत सारे इनमें से, ठीक है, राजस्थान के बहुत सारे हैं, ठीक है, ये राजस्थान का है, राजस्थान का, राजस्थान का है। तो यहाँ पर देखिए 89 कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और ये जो बोर्ड है वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और वेस्टर्न रेलवे भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। इसके अलावा आपका जो सिकंदराबाद बोर्ड है वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बोर्ड हैं जिन्होंने अपना डीवी करवा के रख रखा है और पैनल और ज्वाइनिंग के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। जैसे आपका आरआरसी जयपुर है, इन्होंने आपके जनवरी, ठीक है, जनवरी में अपना यहाँ पर कर लिया था, जनवरी में, ठीक है, जनवरी के बाद यहाँ पर जनवरी में और फरवरी में अपना डीवी और मेडिकल करवा लिया था, लेकिन 9 से 10 महीने हो चुके हैं अब तक ना तो पैनल जारी किया गया है और ना ही अभी ज्वाइनिंग के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट था और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।